कल हमने सारी चीजें बता दिया था आपको, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर से देंगे, जिसको एक बार देखिएगा। आइए कुछ हम एग्जाम्पल, सबसे पहले एरिया का देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल थ्री, क्या दिया हुआ है? दिया है एक्स थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू टू पाई, और वक्र दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है चाप की लंबाई बताइए, इस मध्य इसके मध्य कर्व के चाप की लंबाई बताइए। सीधे सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन है, आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला होता है वो लिख दे रहे हैं। अभीष्ट लंबाई यानी चाप की लंबाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, उसमें ए टू बी देता है, यहाँ जीरो टू टू पाई दिया हुआ है, तो सीधे लिख रहे हैं हम जीरो टू टू पाई, यानी लोअर लिमिट पहले फिर अपर लिमिट, ये हो गया रूट डी एक्स डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके आपका फार्मूला है और चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए हमें दो मान चाहिए, यहाँ पे dx d थीटा चाहिए और dy d थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसको 1 और इसको 2 मान ले रहे हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर हो जाएगा आपका dx d थीटा इक्वल टू, देखिए a cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस थीटा का देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा cos थीटा, और फिर सेकेंड फंक्शन का करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वन हो जाएगा। दूसरा आपका इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये साइन थीटा से कट गया तो कितना आया ए थीटा कॉस थीटा, ये आपका डी एक्स डी थीटा का मान आया। डी वाई डी थीटा का मान डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी हम थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा का करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा हम इसको बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस, अब यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन फिर यानी माइनस थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हमने माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस कॉस थीटा और थीटा का कितना हो जाएगा वन, ये हुआ आपका इसका फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है आपका दो फलनों के गुणन का सूत्र। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ए माइनस कॉस थीटा
और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका यहाँ पे कुछ। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे ये आपका माइनस साइन थीटा, तो साइन केवल साइन थीटा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन केवल कॉस थीटा होगा, माइनस नहीं था यहाँ पे चिन्ह। ये प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचा कितना, ए थीटा साइन थीटा। अब फार्मूले में रखिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड आर्क की लंबाई कितनी होगी, अभीष्ट चाप की लंबाई सीधे सीधे फार्मूले में रख दीजिए, इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई। देखिए फार्मूले में रखिए, फार्मूले में क्या आया, ए थीटा साइन थीटा और यहाँ पे ए थीटा कॉस थीटा दोनों, तो ये dx d थीटा का मान कितना है, रूट स्क्वायर करेंगे, देखिए dx d थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए dy d थीटा का करेंगे तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dx, यहाँ पे आपका d थीटा, एक मिनट, यहाँ भी नहीं लिखा हमने डी थीटा, देखिए सबसे पहले इसकी लिमिट दिया हुआ है जीरो टू टू पाई, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू दिया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। अब हमें फार्मूले के हिसाब से डी एफ डी थीटा और डी वाई डी थीटा निकालना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको करेंगे, इसको हमने किया डिफ्रेंशिएट तो कितना आया, ए थीटा कॉस थीटा आया, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो ए थीटा साइन थीटा आया, और दोनों का हमने यहाँ मान रख के वर्क किया, ये हो जाएगा जीरो टू टू पाई ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉमन है बाहर करेंगे तो ए थीटा हो जाएगा, और इसमें बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आपका वन हो गया, यहां आया ए बाहर हुआ जीरो टू टू पाई और केवल थीटा डी थीटा, तो ए थीटा स्क्वायर बाय टू जीरो टू टू पाई, ये हो गया ए बाय टू, यहाँ फोर पाई स्क्वायर माइनस जीरो, दो से दो कटा तो टू ए पाई स्क्वायर, ये चाप की लंबाई आई आपकी टू ए पाई स्क्वायर। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखिए,
एक देखिए एग्जांपल नाइन, एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है सब। एग्जांपल नाइन क्या कह रहा है, कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एक पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एम एक्स। कह रहा है इनके बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो देखिए परवलय है, इसका चित्र यहां पे बना रहे हैं हम। x o x dash y o y dash। अब ये पैराबोला है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और एक लाइन ये कहां से जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी, क्योंकि c का टर्म नहीं है, ये लाइन है आपका y इक्वल टू एम एक्स। तो देखा जाए सबसे पहले इनका कटान बिंदु निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, y की जगह एम एक्स रख दिया जाए। रखिए यहाँ पे, ये आपका इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। अब ये y का मान यहाँ रखिए, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन वन में रखने पर, रखिए ये हो गया आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। इधर लाइए तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां से एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो। अब एक वैल्यू यहां से आएगी इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो, दूसरा आएगा एम स्क्वायर एक्स माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स इक्वल टू आ जाएगा फोर ए अपान एम। देखिए एक्स के दो मान हुए, एक एक्स इक्वल टू जीरो आया, दूसरा x इक्वल टू क्या आया फोर ए बाई एम। अब यहाँ पे रखिए वन में, चाहे किसी में भी रखिए, जब समीकरण एक से, या समीकरण दो में आसानी से निकल जाएगा उसी में रखिए, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है y इक्वल टू एम एक्स है। अब x का मान जब जीरो रखेंगे, जब x बराबर जीरो तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर जीरो, यानी एक बिंदु ये कहाँ काटेगा, बिंदु जीरो कामा जीरो पर काटेगा। दूसरा क्या है एक्स इक्वल टू फोर ए बाई एम, जब एक्स इक्वल टू फोर ए बाई एम है तो रखिए यहां एम इंटू फोर ए बाई एम, तो यम से यम कटा तो आया आपका 4a। यानी ये कहां पे काट रहे हैं, इनकी कटान बिंदु कहां है 4a बाई यम अपान 4a, ये आपका बिंदु मिला हमें, यानी ये एक दूसरे को यहां काट रहे हैं। एक बिंदु आपका 0 कामा 0 ये हो गया, दूसरा है 4a बाई यम, x का मान है आपका 4a बाई एम और y का मान है 4a। अब कौन सा एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया आपकी ये है। अब x एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र हम लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैराबोला का यहां से यहां तक का पूरा एरिया निकालेंगे, इसके नीचे जो भी एरिया आएगी x एक्सिस से लगी हुई सब आएगी, और इसका निकालेंगे यहां से यहां तक, इसकी एरिया में से इसकी एरिया घटाएंगे। आप चाहे तो मान दे दीजिए ए बी, ये दे दे रहे हैं हम,
अब एरिया निकाल रहे हैं हम, पहले पैराबोला के साथ निकालेंगे या दोनों सीधे देख लीजिए। यहां से पैराबोला से अगर y dx निकालते हैं तो y का मान क्या होगा, 2√ax, और यहाँ y इक्वल टू mx ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड एरिया देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूले में dx, जिसकी एरिया ज्यादा है उसमें से कम वाले की एरिया घटाते हैं। इसकी एरिया यहाँ से ज्यादा है, इसकी क्या है, यहाँ से x एक्सिस से कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, x एक्सिस से एरिया देख रहे हैं, तो ये कर्व ज्यादा एरिया बनाएगा, तो पहले इसके साथ निकाल लेंगे, फिर इसका वाला माइनस करेंगे, तो ये बीच की एरिया निकल जाएगी। अब इसको मिटा रहे हैं हम, देखिए लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, 0 टू 4 a बाई m, y1 मतलब पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन आपका था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां देख लीजिए तो y इक्वल टू 2√ax अभी हमने निकाला था, यह हो गया 2√ax माइनस y इक्वल टू mx है, ये आपका mx dx। फोर ए बाई एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू आया हुआ है 4 ए बाई एम स्क्वायर आएगा, यहां से ये एम स्क्वायर है, ये आपका एम स्क्वायर आएगा, ये 4 ए बाई एम आएगा, दोनों ये 4 ए बाई एम, 4 ए बाई एम उसका क्वाड्रेंट आएगा, ये आपका 4 ए बाई एम स्क्वायर, एक्स का मान क्या है 4 ए बाई एम स्क्वायर, तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 4 ए बाई एम स्क्वायर, यहाँ पे करिए इंटीग्रेशन इसका, देखिए 2√a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एम, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 टू 4 ए बाई एम स्क्वायर, ये हुआ आपका, दो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4√a बाई 3, यहाँ पर देखिए एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक्स की जगह रखना है हमें 4 ए बाई एम स्क्वायर पूरे पावर 3/2 माइनस एम, यहां रखना है 4 ए, ये हो जाएगा एम 16 ए स्क्वायर अपान एम पे पावर 4 और बाई 2 माइनस, जब जीरो रखेंगे सब जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हुआ आपका 4 ए 4√a बाई 3 देखिए,
देखिए फोर पे यहाँ पे टू पे पावर टू होगा, ये थ्री बाई टू, टू से कट जाएगा, यहाँ है आपका टू पे पावर थ्री। देखिए ए पे पावर थ्री बाई टू, यहाँ एम एम क्यूब हो जाएगा, ये एम स्क्वायर है आपका, ये हो जाएगा दो घात है, ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा एम क्यूब माइनस, यहाँ देखिए ये दो ऊपर ले जाएंगे तो 32 हो जाएगा, एम का एक घात कटेगा तो यहाँ ए स्क्वायर बाई एम पे पावर थ्री, यहाँ से एम का एक घात कट जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर, यहाँ भी एक बटे दो घात, यहाँ तीन बटे दो, तो चार बटे दो हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर, ये हुआ आपका फोर बाई थ्री, और यहाँ एट आपका इंटू ए स्क्वायर बाई एम क्यूब माइनस 32 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, एट ए बाई थ्री। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फोर एट ये फोर रूट ए बाई थ्री कहां से आया, टू बाई थ्री हो गया, ये 16/2 यहाँ गलत, ये दो से कटेगा तो यहाँ आठ आएगा, एट। अब देखिए यहाँ घटाएंगे इसको, ये आठ त्रिक 24 और यहाँ आठ चौको 32, जब 24 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा आठ, ये हुआ आपका 8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हुआ 8/3 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब। इसके बाद देखिए एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए बड़े क्वेश्चन की वजह, देखिए अभी कर्व क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था, और रेखा थी वाई बराबर एम एक्स, इनके बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए तो क्षेत्रफल आया कितना था 3/8 ए स्क्वायर बाई एम क्यू, ये आया हुआ था 3/8 ए स्क्वायर बाई एम क्यू। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक इसी तरह का है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इसी से सॉल्व कर सकते हैं उसको, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ y इक्वल टू 2, ये दो रेखा है, अब इनके बीच का क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है ये, ये पैराबोला कैसा बनेगा, सॉल्व करेंगे इन दोनों को, सॉल्व करके इनका इनका कटान में y का इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी यहाँ देखिए पैराबोला
अभी पैराबोला इस तरह का बनेगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका घात एक होता है उसकी तरफ भी मुंह खुलता है, ये पैराबोला इस तरह का बनेगा। y इक्वल टू 2, रेखा कौन सी होगी? ये होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से y इक्वल टू 0 से लेके और y इक्वल टू 2 तक, ये इसकी लिमिट हुई, इतने की एरिया हम ज्ञात करेंगे और दोगुना कर देंगे तो पूरे की एरिया निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये y एक्सिस से सटे हुए ले रहे हैं तो रिक्वायर्ड अब इस क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b x dy होगा। y एक्सिस से सटा हुआ है तो x dy, x का मान यहाँ से क्या है रूट वाई, लिमिट क्या है देखिए, अब इस क्षेत्रफल दो गुणे करेंगे क्योंकि दोनों तरफ का लेना है, तो यहाँ इक्वल टू 2 और एरिया आपकी हो जाएगी, लिमिट इसका होगा 0 से 2, एक्स की जगह क्या है देखिए रूट वाई, यानी वाई पे पावर 1/2 और डी वाई, ये हो गया 2, इसका वाई पे पावर 3/2 अपान 3/2 0 to 2, उल्टा करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे y पे पावर 3/2 0 to 2 4/3, ये हो जाएगा y पे पावर, y की जगह 2 तो 2 पे पावर 3/2 और माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कितना आया 8√2/3, देखिए क्वेश्चन नंबर 8√2/3। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे। ये कुछ एरिया वाले क्वेश्चन हो गए। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दो कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 9x और x स्क्वायर इक्वल टू 9y। अब देखिए दो इस तरह के पैराबोला एक दूसरे को काटते हैं तो उनका क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है 16/3 a स्क्वायर, ये होता है, सिर्फ यहाँ a के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। अब a का मान देख लीजिए यहाँ, तो सब दोनों के लिए एक ही है, ये करेंगे तो 4 × 9/4 x, तो a का मान कितना है 9/4 रख दीजिए, 16/3 और 9/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/3 गुणे 9 × 9/4 × 4, ये 16 16 कट गया, 3 × 9 तो कितना आएगा 27 वर्ग इकाई। देखिए एक बार, इस तरह का कोई भी दो पैराबोला एक दूसरे को काटता है तो आप ये याद रखिए कि इन दोनों की एरिया क्या होती है, 16/3 ए स्क्वायर हमने निकाला हुआ था पहले जब आपको क्वेश्चन बता रहे थे, तो दो पैराबोला हमने कौन सा लिया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दो पैराबोला हमने लिया हुआ था। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों काटेंगे तो इनके जो बीच की एरिया होगी दोनों पैराबोला इस तरह का बनता है, एक ये हो गया आपका, दूसरा इस तरह का, ये एरिया हमें चाहिए, इसके लिए हमने निकाला था 16/3 ए स्क्वायर। अब देखिए इस तरह का कोई भी पैराबोला का इक्वेशन हो सिर्फ आप ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान क्या है किस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 9/4 है रखिए यहाँ पे, तो सीधे क्या होगा, सीधे एरिया निकल जाएगी, इस तरह के जो भी पैराबोला एक दूसरे को काटते हैं तो उनकी एरिया निकल जाएगी। तो छोटे क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखने में तो ये सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा जाएगा, सॉल्व करने में समय लगेगा, लेकिन अगर ये आप याद कर लेंगे
तो आसानी के साथ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दसवां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन देगा। देखिए 10 है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा है तथा x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a नहीं 4y ये दिया हुआ है। यहाँ से अब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना 1, यहाँ रख दीजिए तो सीधे a का मान 1 रखेंगे कितना आएगा 16/3, तो देखिए इसका आंसर आएगा 16/3। ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ चीजें आप याद करिए कि इस तरह का जो भी पैराबोला होता है उसका क्या होता है कि उसका एरिया होता है 16/3 ए स्क्वायर। तो अगर ये दो कहीं काटे हैं, एक आवान निकाली यहाँ पर रख दीजिए तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों पैराबोला अगर काट रहे हैं तो इसकी एरिया क्या होगी 16/3। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 10 तो 10 का देखिए आंसर दिया हुआ है आपका 16/3। एक अमान हमने यहाँ क्या रखा 1, क्योंकि यहाँ एक अमान 1 है तो ये 16/3 ए स्क्वायर। आइए इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आसानी से जिनको ज्ञात किया जा सकता है। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए एक पैरा इलिप्स दिया हुआ है x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर तो x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए a का मान कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 तो a इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 9 तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हम जानते हैं इसका एरिया पूछ रहा है, हम जानते हैं इलिप्स का, इस इलिप्स का एरिया क्या होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका एरिया होता है पाई ए बी। अब एक अभी का मान यहां से रख दीजिए, देखिए 2 और 3 है यानी क्या होगा इसकी एरिया क्या हो जाएगी, सीधे बिना देखे हम बता सकते हैं कि 6π, ए और बी का गुणा कर लीजिए, ए बी का गुणा कितना 3, तो देखिए 6π। तो पहला चौथे का पहला आंसर गलत दिया हुआ बुक में सही कर लीजिएगा। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखिए, आइए एक एग्जांपल है एग्जांपल 2। अगर मान लीजिए कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है और इसकी नाभिलंब
के सिरे के बीच और कह रहा है नाभिलंब, के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो देखिए इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 8a² / 3। कोई पैराबोला, अगर कोई पैराबोला जो है दो पैराबोला एक दूसरे को काट रहे हैं, एक वाई स्क्वायर कोई भी हो, चारों में से कोई दो एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे यहां पे देखिए अगर ये और ये दोनों काटे हैं, या अभी देखिए ये दोनों काटे हैं, यहाँ पे जो एरिया बन रही है, फिर यहां पे देखिए ये दोनों काटे, ये सब एरिया इक्वल होगी। उसी तरह अगर किसी का नाभिलंब है तो देखिए नाभिलंब क्या होता है, ये पैराबोला है y² = 4ax, इसकी नाभ क्या होगी 1, 0, यहां से लंब डाल दीजिए इसके अक्ष पे, ये ओ एक्स एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो देखिए यहां पे इस नाभ से होकर जाने वाली वह रेखा जो इसके अक्ष पर लंब होती है नाभिलंब कहलाती है। अब ये एरिया हमको चाहिए, देखिए एक का निकाला हुआ हमने क्या है 8² / 3। अब इस तरह एक अमान चाहे जो कुछ भी हो, उसके एक अमान यहाँ 4 होगा तो एक अचमान 4 रख देंगे तो एरिया निकल जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया सीधे यहाँ से सीधे निकाल लेंगे हम। जैसे कोई पैराबोला मान लीजिए दिया हुआ है, अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में देखिए चलिए इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड एरिया आप कुछ याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वो आसान रहेंगे। इसके बाद कल देखिएगा।